तो ये आज हमारा बन रहा है रुगड़ा, और जो कि चिकन मटन सबसे महंगा है अभी के टाइम पे। देखो तो ये मैंने अभी मसाला डाला है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे। और काफ़ी पसंद है मुझे सावन, तो इसी के भरोसे चलती है हमारी। क्या क्या है बेटा? घोड़ा गाड़ी कि रैबिट गाड़ी? और कहाँ और क्या चीज़ है? अरे ग्रीन कलर का ही कार आ गया, तो ग्रीन तो था पहले से, ये पुराना है वो नया है। ओहो मोटर बाइक। स्कूल थकवा ले रहा है। हाँ तो यही तो चाहिए रहता है इसको, स्कूल में यही सब चाहिए रहता है। बाप रे बाप, फोर पीस। हाँ यही यही स्कूल में एक दिन यही देखा था, ब्लू वाला इस टाइप का, और उसके उसको याद करके रखा है और हमेशा मांगता है स्कूल में। नहीं टूटेगा आपका बेटा का हाथ, आपका बेटा का हाथ में बदर के हाथ में नारियल होता है ना, वही हिसाब है। साल का पहला रुगड़ा बन रहा है, खाना है ना। 1200 रुपए के जी, 1200 बोले थे 800। चलो ठीक है बेटू, मैं जाती हूँ रोटी बनाने। और ये देखो गाइज मेरा रुगड़ा रेडी हो रहा है बनके। और ना आपको पता है, मैंने आज पहली बार, जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से ये पहली बार मेरे साथ हुआ कि मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया। तो उसको कम करने के लिए इस तरीके से आटा की लुई बना करके इसमें मैंने डाला है दो, ताकि ये थोड़ा सा नमक को अपने में खींच ले। पता नहीं ये टेक्निक मैंने पहली बार यूज़ की है, सुना है सबके मुँह से, तो सोचा मैंने ट्राई कर लेती हूँ, फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये ट्रिक मैंने किया है अभी, तो आपको बताऊँगी मैं बाद में कि ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है तो ये देखो ये रुगड़ा मेरा बन रहा है, अभी 5 मिनट और टाइम लगेगा इसको बनने में, फिर ये रेडी हो जाएगा। तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, आगे बताएगी अभी नमक हुआ कि नहीं मैनेज। ठीक है हाँ, नमक एडजस्ट हो गया ना? हाँ। पक्का ज़्यादा नहीं लगेगा ना किसी को? ठीक है। देखा आपने गाइस, तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हो। दो आटा का लुई मैंने इस तरह से डाला, अब इसको मैं हटा दूंगी। और ये प्रैंक करने के लिए किसी को दे भी सकते तो ये प्रैंक किया जा सकता है किसी के साथ। तो बस अब मेरा रुगड़ा बस रेडी हो गया, बस मैं बंद करने वाली हूँ उसको। तो ये यमी रुगड़ा मेरा रेडी है, साल का पहला रुगड़ा आज खाने वाले हैं हम लोग। सो गाइज मैं अभी ये चना दाल और चावल शाम में मैंने भिगोए थे, और इसमें थोड़ा सा उड़द दाल भी डाला हुआ है, तो ये मैंने भिगो के रखे थे। सुबह की तैयारी करना है मुझे इसीलिए, तो अभी मैं इसको पीस के रख लेती हूँ क्योंकि डुगू को स्कूल भेजना है सुबह में, तो इसीलिए तो फटाफट से इनको पीसते हैं हम। तो सुबह हो गई थी और डुगू का स्कूल भेजना था मुझे, और यहाँ पे उसको ब्रश करा रही थी मैं, और उसको ब्रश कराना मतलब हाथी के आगे बीन बजाना, देखा भाग गया वो, बट किसी तरह मैंने उसको करा ही दिया ब्रश। और उसका फ्रेंड भी आया था जिसका नाम है कितविक, और दोनों को बिठा के यहाँ पे मैं नाश्ता करा रही थी। अच्छा देखा, और दोनों मजे में खा रहे थे, और वीडियो के चक्कर में डुगू मेरा खा रहा था। और उसको लंच में डालने के लिए मैं यहाँ पे दूसका छान रही थी, क्योंकि उसको दूसका पसंद है, थोड़ा सा वो खुश हो जाएगा लंच देके कि मम्मा ने कुछ अच्छा भेजा है मेरा पसंद का, तो थोड़ा सा उसका रोना वोना बंद हो जाए, क्योंकि रोता है वो अभी भी, और कुछ दिन तो रोना धोना चलेगा ही, बट मुझे थोड़ा सा अपने दिल को हार्ड बनाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल भेजना है तो, और मम्मी मम्मी वाला नहीं चलेगा, तो स्कूल भेजना ही भेजना है। और उसके बाद यहाँ पे उसको भेजने के बाद सारा मैं अपना काम निपटा रही थी, तो यहाँ पे मैं दोपहर का सब्ज़ी बना रही थी, जो कि आज बन रहा है कटहल का सब्ज़ी। और ये कटहल जो आया था ये मेरे मायके से आया है, जिसमें पेड़ में छोटे से पेड़ है,
छोटा सा पेड़ है, उसमें 9 फल लगे थे कटहल का, तो उसमें से एक मेरे यहाँ भी आया है और उसी का सब्जी आज मैं बना रही थी। बच्चे के साथ साथ किचन के साथ साथ अपने बालों का भी ध्यान दे रही हूँ मैं आजकल। पहले तो नहीं देती थी बट अभी, क्योंकि बाल मेरे बहुत हेयर लॉस हुए थे मुझे, तो उसके बाद थोड़ा से मैं सतर्क हो गई हूँ और अपने बालों पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिए ना तो टकली हो जाऊँगी कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद तो नहीं, बट उसको बचाए रखने के लिए कुछ कुछ करना ज़रूरी है बालों के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज का रस निकाली थी और सिंपल इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, क्योंकि रात में मैंने अपने बाल में ऑयलिंग की हुई है, तो इसीलिए मैंने सिंपल प्याज का रस लगा रही हूँ अभी। तो सिंपली प्याज का रस मैंने यहाँ पे निकाला है और कॉटन की हेल्प से बालों में इसको लगा लूँगी अच्छे से, और बस स्कैल्प में लगाना है आपको, बालों पूरे बाल में लगाने की ज़रूरत नहीं, बट स्कैल्प में लगा सकते हो आप। और इसके गजब के रिजल्ट हैं, मुझे दिखने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि बेबी हेयर्स मुझे आ रहे हैं धीरे धीरे, और आई एम सो हैप्पी। और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है गाइज, और अगर आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हो ना कि हाँ ये मुझे ज़रूर हेल्प करेगी, तो आगे जाके आपको ज़रूर हेल्प करती है, तो ये चीज़ सच है, मैंने खुद पे ये चीज़ देखा है। तो अभी मुझे इसे लगाते हुए 2 महीना ही हुए हैं बस। आपको भी अगर हेयर लॉस हो रही है तो आप भी ट्राई कर सकते हो, और बरसात है बट फिर भी कर सकते हो, मानसून आ गया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम नहीं करना है इसको लगाने के बाद, इसको लगाने से पहले आप अच्छे से कॉम कर लो, उसके बाद बस लगाने के बाद मैं इस तरीके से जूड़ा बना ले रही हूँ और क्लच कर दे रही हूँ, और बस इसको मैं रहने दूँगी अपने बाल पे 1 घंटा से 1.5 घंटा, उसके बाद बालों को वॉश कर लेंगे। एक बात मैं आपको बोलना चाह रही थी, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं तो आपको अपना शैम्पू ज़रूर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एक रिसर्च में माना गया है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हो अपने स्कैल्प के लिए, तो आपको हैम ही करता है, क्योंकि केमिकल्स आपके स्कैल्प में जाती जाती और हेयर फॉल तो होना मतलब निश्चित है, तो इसीलिए बीच बीच में शैम्पू वगैरह चेंज करते रहना चाहिए गाइज। सो इसीलिए मैंने भी अपना शैम्पू चेंज किया है और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो आप भी ये कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे बेटे स्कूल से आ गया। बेटा कैसा लगा स्कूल में? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। रो रहे थे ना, मैंने सुना आप रो रहे थे बहुत। आज नहीं रो रहे थे। पक्का नहीं रो रहे थे ना? नहीं। कल जाना ना स्कूल? हाँ। ओ तब तो गुड बॉय बन गया मेरे बेटे। और लंच फिनिश नहीं हुआ लेकिन? मोदिन क्या होता है? नहीं ऐसे नहीं बोला, अच्छे से बोलना, अच्छे से बोला। लंच फिनिश क्यों नहीं हुआ? स्कूल से आते ही इसका बदमाशी शुरू हो गया और सारा खिलौना देखो कैसे ये टॉय बॉक्स गिरा देता है, सारा बिखेर देता है, काम बढ़ाने में तो एक्सपर्ट हो गया मेरा बेटू।